सवाल तो ये है ना कि चैलेंज तो यही है कि हम बेड बढ़ाएं उससे पहले कोरोना के केस कम करें। गौरव देखिए, अंकुश लगाने का समय बिल्कुल है और कुछ तो लगाए भी जा चुके हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं, मुंबई की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, लेकिन ये एक देखिए एक रिएक्शनरी चीज हो रही है। हम प्रोएक्टिव नहीं हो रहे हैं। आप थोड़ा दिल्ली की तरफ आए, दिल्ली के जो फिगर्स हैं वो बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा हम रहे हैं। अभी भी किसी तरह के पार्शियल लॉकडाउन की या मिनी लॉकडाउन की दिल्ली में बात आपने नहीं दिल्ली कर की रहे बात हैं। ये मैं डॉक्टर शेरवाल से बात करूंगा, क्योंकि जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है वहां भी कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। डॉक्टर शेरवाल, जो जिस बात की तरफ डॉक्टर अग्रवाल इशारा कर रहे हैं, दिल्ली में भी हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो भी सभी एक्सपर्ट्स की राय है वो बिल्कुल, दिल्ली में भी पिछले कोई 15 दिन के अंदर आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं और बेड ऑक्युपेंसी बढ़ती जा रही है और सभी अस्पताल में जो आईसीयू बेड हैं, वेंटिलेटर बेड हैं और ऑक्सीजन बेड हैं, सब पे पेशेंट्स आने लगे हैं और डेली जो एडमिशन रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। तो वो एक तरह से चिंता का विषय है और हेल्थ केयर सर्विसेज पे तनाव डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में बढ़ने वाला है। नहीं तो आपको लगता है तैयारियां उसको लेकर पूरी हैं? डॉक्टर वली, आपके पास क्या जानकारी है, दिल्ली में क्या तैयारियां पूरी हैं? दिल्ली के सीएम तो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है? तैयारी में जो हमने सबसे बड़ी तैयारी की थी वो वैक्सीनेशन की थी, उस पे उन्होंने जो है स्पीड अप किया है उसको। लेकिन मुझे इनकी पिछली वाली अदा याद है, जब ये पुरानी दिल्ली के इलाकों में फैला था कोरोना, इन्होंने टीम की चादरों से सारा इलाका सील कर दिया था। तो अब टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उनका ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट से पहले उनको एक जगह घेर लेना और उसको बाहर ना निकलने देना, यही इसका सबसे बड़ा वो होगा। सेम लेसन हमें धारावी ने भी सिखाया था, तो उस लेसन को हमको याद करना चाहिए कि मैं पूछता हूँ वो लेसन याद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ कुमार कुंदन है, डॉक्टर वली मैं आता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।